सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सो मैथमेटिक्स का पार्ट वन हम लोग आज लेंगे, दैट इज अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2.1 और 2.2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है हम लोगों ने, है ना। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखेंगे और हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 आज कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व करने वाले, सारे प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.3 में 6 प्रॉब्लम्स है, टोटल 6 प्रॉब्लम्स आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, है ना। तो चलो बढ़ते हैं डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट 2.3 की तरफ। फर्स्ट प्रॉब्लम देख लेते, देखो क्या दिया है फर्स्ट प्रॉब्लम देखें। तो मेन क्वेश्चन हमारा क्या है, मेन क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सारे इक्वेशंस को हम लोग को सॉल्व करना है, टोटल 6 क्वेश्चन है। नंबर 1 देखो क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, वो हम लोग प्रॉब्लम के साथ ही समझेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखो सब में फर्स्ट क्या करना है आपको, सब में फर्स्ट आपको इस तरह से इक्वेशन दिया रहेगा, एक टर्म हमारा एक्स स्क्वायर का होता है, एक सिंगल एक्स वाला टर्म रहेगा और एक कांस्टेंट रहेगा। तो सब में फर्स्ट इस कांस्टेंट को शिफ्ट कर दो इज इक्वल्स टू के उस साइड में, तो कांस्टेंट को इज इक्वल्स टू के वो साइड में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। पहला काम हम लोग को वही करना है, माइनस 20 इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 20 इज इक्वल्स टू 20, अब ये फॉर्म में आ गया। अब हम लोग को सिंपल, हम लोगों को सबको पता है फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये एक्सपेंशन होता है ना। तो फॉर्मूला का हम लोग को यहाँ पे यूज करना है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का जो एक्सपेंशन होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे बहुत काम में आने वाला है इस मेथड में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखो तो करना क्या है, सब में फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, ये इसको भूल जाओ, RHS को भूल जाओ, सिर्फ LHS में x स्क्वायर प्लस x, इसके साथ और एक थर्ड टर्म हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है। क्या करना है, इसके साथ और एक थर्ड टर्म हम लोग को ऐड करना है, ऐसा थर्ड टर्म ऐड करना है कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन जब बन जाएंगे स्क्वायर प्लस एक्स के साथ हम लोग जो भी टर्म ऐड करेंगे, तो ये मिला के जो टर्म हो जाएगा इट शुड बी इक्वल टू दिस एक्सपेंशन, है ना, ये एक्सपेंशन के बराबर होना चाहिए। तो देखो तो वो थर्ड टर्म जो हम लोग ऐड करने वाले हैं, तो थर्ड टर्म क्या ऐड करेंगे, तो वहां पे दो तरीके होते हैं, एक तो आप लोग को कोएफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा या फिर सिंपल एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो थर्ड टर्म के लिए, व्हाट थर्ड टर्म यू हैव टू ऐड, थर्ड टर्म के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। सो अभी देखो एक्स के साथ, एक्स का कोएफिशिएंट एक्स के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे 1 है इस वाले प्रॉब्लम में, कोई अदर प्रॉब्लम है 1 के जगह पे 2 आएगा, -3 आएगा, 4 आएगा, जो भी आएगा x का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो लेना है और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इनटू और इसका होल स्क्वायर रहेगा, है ना, 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x इसका होल स्क्वायर करना है आपको, है ना। तो सेम वे हम लोग यहां पे करेंगे 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां पे क्या हमारा प्लस 1 है, सो 1 इसका होल स्क्वायर। तो देखो सिंपल क्या आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, सो 1/4, तो 1/4 हम लोग को यहाँ पे मिला थर्ड टर्म। तो अभी 1/4 को क्या करना है, 1/4 को हम लोग को ऐड करना है यहाँ पे, सिर्फ एक साइड में हम लोग ऐड कर सकते हैं, नहीं दोनों साइड ऐड करना है ना, सो एडिंग 1/4 ऑन बोथ दी साइड। देखो क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे, नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, एडिंग 1/4 ऑन बोथ दी साइड। अभी आपके मन में आ रहा है ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं ना, तो ये सब हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में हम लोग को इसको लाना है, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में हम लोग को इस टर्म को लेके आना है, इसलिए हम लोग ये ऐड कर रहे हैं। जैसे प्रॉब्लम का और दो स्टेप बढ़ेगी आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने ये क्यों किया। देखो तो 1/4, अभी 1/4 को ऐड करना है दोनों साइड में, LHS और RHS दोनों में। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके साथ क्या करेंगे यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, प्लस 1/4 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे 20, एक साइड हम लोग कर सकते हैं कोई भी चीज नहीं, हम लोग को एक टर्म हम लोगों ने LHS में ऐड किया है, तो सेम टर्म को हम लोग को RHS में भी ऐड करना पड़ेगा, तो 20 प्लस 1/4 करेंगे, है ना। अभी देखो बुक्स में ऐसा दिया है कि 20 और 1/4 दोनों ये साइड में, तो यहाँ पे 1/4 प्लस किया, एक बार 1/4 माइनस किया, तो कुछ गलत नहीं, ये भी सेम है वो भी सेम है, कुछ अलग नहीं है, ओके।
सो अब देखो ये जो वैल्यू है इसके RHS को मत देखो, अभी सिर्फ LHS में देखो, x2 + x + 1/4 इस वैल्यू को हम लोग को कंपेयर करना है a+b2 के एक्सपांशन से। तो देखो इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, देखो a² + 2ab + b², यहाँ पे देखो सिंपल a² यहाँ पे क्या x² तो मतलब a = क्या है, a = हम लोग को मिला है x और b = क्या मिला, देखो b² = 1/4 है, देखो b² = 1/4 है तो b = क्या हो जाएगा √1/4 दैट इज 1/2। तो b की वैल्यू क्या है, b 1/2 है ना, तो a और b का वैल्यू मिला है, ये a+b² का ये एक्सपांशन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a+b² लिखेंगे, बस वही करना है उसी को, इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर को कंप्लीट करना है ना। अब देखो अब आप बोलोगे सर यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो फिर ये बीच में जो 2ab यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है यहाँ पे ना, तो 2ab नहीं दिख रहा है, तो सिंपल देखो यहाँ पे 2 लिख दो और b की वैल्यू कितनी है 1/2 लिख दो, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो चुका है, इसके लिए सिर्फ यहाँ पे 1s दिख रहा है। ओके तो आपको मिडिल टर्म को डायरेक्टली देखने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल से प्रोसीजर को फॉलो करो, फिर फर्स्ट टर्म देखो और लास्ट टर्म का रूट निकाल के बी निकालो, ए बी मिल गया आपको, सिंपल आपको क्या करना है a+b² के फॉर्म में इसको लिखना है सर। फर्स्ट रिपीट करते हुए इक्वेशन को, +1/4 = 20 + 1/4, अभी हम लोगों ने इसको इसके एक्सपांशन से कंपेयर किया, अभी क्या आएगा, a मिला अपने को x, तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, a+b² लिख सकते हैं, मतलब x + b कितना है हमारा 1/2 है, तो x + 1/2² हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और इधर का 20 + 1/4 एज इट इज। ओके यहां तक समझ में आया, सब में इंपॉर्टेंट यही है, इतना समझ में आ गया, हर एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सेम मेथड से। अब क्या करना है, यहाँ पे a+b x + 1/2 होल स्क्वायर एज इट इज रखो, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, देखो 40 यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा 4 × 20 1 × 1 प्लस बीच में 1 × 1 ही आता है, डिवाइडेड बाय 4 × 1, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 4 × 20 क्या हो जाएगा 80 प्लस 1 × 1 डिवाइड बाय 4 × 1 = 4, तो ये हम लोग को मिलेगा 81/4। तो देखो x + 1/2 होल स्क्वायर = क्या मिला, 81/4 मिला है ना। तो अब हम लोग को x के वैल्यू चाहिए, तो ये x का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग taking roots on both sides, we get, देखो दोनों साइड रूट लेंगे तो क्या होगा, x + 1/2 होल स्क्वायर इसका रूट लेंगे तो रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 81/4, सो √81/4 लेंगे। अभी देखो ये रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा x + 1/2 इज इक्वल टू, देखो 81/4 का रूट क्या आएगा, 81 का रूट आएगा 9 और 4 का रूट क्या है 2 है, तो 9/2 मिल गया हम लोग। अब देखो अब ये 9/2 कैसा रहेगा, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, रूट है, स्क्वायर रूट का हम लोग आंसर निकालेंगे, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, देखो +9 का भी स्क्वायर 81 होता है, +2 का भी स्क्वायर 4 होता है, और -9 का भी स्क्वायर 81 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, इसलिए अब ये 9/2 जो हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाला, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पे अपने पास दो वैल्यू, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे +-9/2 आपको लिखना है। ओके अब क्या करना है, अब सिंपल ये 1/2 को उधर लेके जाओ, तो देखो x = ये 1/2 इधर प्लस है, इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो देखो +-9/2 और ये 1/2 क्या आ गया -1/2 आया है, तो ये यहां तक हम लोग को मिल गया है, देखो x = ±9/2 - 1/2। अब ये 9/2 प्लस है कि माइनस है हम लोग को नहीं पता है, तो क्या करें, सिंपल एक बार प्लस लिखो एक बार माइनस लिखो, तो इस तरह से हम लोग के पास x के दो वैल्यू मिलेंगे और प्रॉब्लम हमारा खत्म। तो देखो अब क्या करना है, अब नेक्स्ट हम लोग को वही करना है, सिंपल यहां का मैं टर्म यहां का रफ कर लेता हूं, ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूं, देखो तो x के दो वैल्यू मिलेंगे और दो हम लोग को रूट्स मिल जाएंगे, प्रॉब्लम खत्म। देखो देखो x = ±9/2 - 1/2, तो अब क्या होगा, एक तो प्लस होगा एक तो माइनस होगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x = +9/2 - 1/2 और
x इज इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2। तो सबसे पहले अगर प्लस 9/2 माइनस 1/2 रहेगा, देखो दोनों का बेस कॉमन है, दोनों का बेस कॉमन है तो 2 नीचे आ जाएगा डायरेक्टली। बेस कॉमन है, बेस कॉमन ले लो 9 माइनस 1, सो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 बाय टू क्या आएगा 4 प्लस 4। और यहाँ पे इस साइड में देखोगे और अब ये देखो x x इज इक्वल टू बेस कॉमन है सो बेस यहाँ पे 2 लिख दो, माइनस 9 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा -10/2। अब -10/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10/2 आता है -5, आप लोगों को पता है 2 2 2 5 10, तो -5 आएगा। सो x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू +4। दीज आर दी टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वी हैव कंप्लीटेड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना है, सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में उसको लेके आना है। वो लेके आने के लिए जो बी स्क्वायर का थर्ड टर्म है उसके लिए क्या करना है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट x उसका होल स्क्वायर करना है, जो भी टर्म आएगा उसको यहाँ पे एड करना है दोनों साइड में, है ना। कॉन्स्टेंट को पहले वो साइड में लेके जाओ, फिर 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर जो टर्म आएगा वो दोनों साइड एड करना है, फिर उसको सोल्व करते जाना है और आंसर फाइंड आउट करना है, दो आंसर हमको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। सब में पहले इसको रफ कर लेंगे, रफ कर लेते हैं। सारे प्रॉब्लम सेम मेथड है, ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं। बढ़ते नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है। प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग को इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x square plus 2x minus 5 is equals to 0। अभी देखो, अभी इसको क्या करना है, सब में फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं completing square method में, इस minus 5 को उधर लेके जाना है। तो देखो x square plus 2x is equals to minus 5 का जगह तो क्या हो जाएगा plus 5। okay, अब हम लोग को a plus b whole square के form में लेके आना है। a plus b whole square क्या होता है, a square plus 2ab plus b square इस form में लाना है। तो अब थर्ड टर्म चाहिए हम लोग को, है ना, इसको भूल जाओ, ये दोनों के साथ हम लोग को थर्ड टर्म चाहिए। अब थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म के लिए हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है। सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर। तो देखो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अभी देखो एक्स के साथ क्या है यहाँ पे प्लस में, एक्स 1/2 इंटू 2 इसका होल स्क्वायर, 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब ये मिडिल वाले टर्म के साथ जो वैल्यू है वो, है ना। तो यहाँ पे 2 है तो 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पे क्या बचा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। सो अभी थर्ड टर्म हम लोग को क्या मिला, 1 मिला, है ना। अब थर्ड टर्म 1 मिला तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ दी साइड, दोनों साइड में हम लोग को क्या करना है, 1 को एड करना है LHS और RHS दोनों में। तो देखो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x square plus 2x plus ये 1 is equal to यहाँ पे क्या है 5 plus 1। ओके, अब देखो अब ये क्या है, ये nothing but it is a expansion of a plus b whole square। तो इसको कंपेयर करते हैं, a square plus 2ab plus b square, तो ये एकदम सिंपल है। देखो a square की जगह पे क्या x square आया, तो a is equal to क्या है x है, और b यहाँ पे देखो b square की जगह पे 1 आया, तो 1 का square भी 1 ही होता है। तो b square is equals to 1, that is b square is equals to 1 है, मतलब b भी क्या है 1, 1 का root 1 का square सब 1 ही होता है। तो b 1 मिला है और a x मिला है। तो अब ये दोनों value को हम लोग क्या करेंगे, देखो ये क्या है, ये expansion है a square plus b plus b square, मतलब a plus b whole square। तो इस term की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, a plus b whole square, a क्या है x और ये क्या है 1। तो इस टर्म के जगह पे, इस वाले टर्म के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये x प्लस 1 होल स्क्वायर का ही एक्सपांशन है, है ना। सो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वापस से लिख देता हूँ मैं प्रॉब्लम, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 क्या हो गया, देखो 5 प्लस 1 6 आ गया। अभी इस ये टर्म क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर का एक्सपांशन है, जहाँ पे a है x और b है 1, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर में x की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग रूट्स ऑन
बोथ दी साइड वी गेट, देखो दोनों साइड में रूट ले लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ सिक्स। तो देखो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू, अभी देखो रूट सिक्स, सिक्स का कोई रूट प्रॉपर निकलता है तो इसको एज इट इज रूट सिक्स रहने दो, कोई टेंशन नहीं, जैसे का वैसे रहने दो, है ना। अभी देखो अभी ये प्लस वन है, हम रूट को एक्स की वैल्यू लेते हैं, प्लस वन को उधर लेके जाओ तो देखो एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स इज इक्वल टू ये प्लस वन, इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा। देखो माइनस वन, इस वन को पहले मैं लिखता हूँ, रूट के वैल्यू बाद में लिखता हूँ, रूट रूट के सामने क्या हो सकता है, ये रूट का आंसर माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर प्लस वैल्यू का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, स्क्वायर कोई भी वैल्यू का पॉजिटिव आता है, नेगेटिव वैल्यू का, तो माइनस टू का भी स्क्वायर प्लस फोर आएगा और प्लस टू का भी स्क्वायर प्लस फोर ही आएगा, है ना। तो स्क्वायर किसी भी वैल्यू का, वैल्यू नेगेटिव रहने दो या पॉजिटिव रहने दो, स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, तो इसके लिए रूट उसका एक तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो रूट निकालने के बाद प्लस और माइनस दो ऑप्शन है, रूट सिक्स का वैल्यू प्लस में भी आ सकता है, रूट सिक्स का वैल्यू माइनस में भी आ सकता है, ओके। तो इसलिए माइनस वन को पहले लिखेंगे, यहां भी करेंगे प्लस और माइनस रूट सिक्स, ओके। अब प्लस और माइनस दो ऑप्शन है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सिंपल, x इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस रूट सिक्स और x इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस रूट सिक्स, दीज आर दी टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि रूट इसका नहीं निकलता, माइनस वन प्लस रूट सिक्स और यहाँ पे माइनस वन माइनस रूट सिक्स, ये दो हमारे रूट्स है जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं बाय द कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, ओके। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी खत्म होता है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर थ्री, अब देखिए प्रॉब्लम नंबर थ्री में क्या दिया है, इक्वेशन विच इक्वेशन विच इज गिवन, एम स्क्वायर माइनस फाइव एम इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, एम स्क्वायर माइनस फाइव एम इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, ओके। अभी देखो कॉन्स्टेंट टर्म ऑलरेडी इज इक्वल्स टू के वो साइड में, तो कॉन्स्टेंट टर्म वो साइड में तो हम लोग का एक्सटेक और कम हो गया, टेंशन नहीं लेना है। तो देखो अभी एम स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल्स टू माइनस थ्री ऑलरेडी, अभी देखो एम स्क्वायर माइनस फाइव एम, अब एम स्क्वायर माइनस फाइव एम में हम लोग को एक टर्म ऐड करना है, ऐसा टर्म ऐड करना है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर के एक्सपेंशन के बराबर हो जाए, है ना। तो वो थर्ड टर्म क्या है, हमारे पास सिंपल से फॉर्मूला है, सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या रहेगा, वन अपॉन टू इंटू कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर इक्वेशन एक्स में रहेगा तो, बट यहाँ पे इक्वेशन एम के फॉर्म में, वेरिएबल एम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एम उसका होल स्क्वायर। तो देखो वन अपॉन टू इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एम के साथ क्या है, माइनस फाइव, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे माइनस फाइव का होल स्क्वायर, अब प्लस लिखो या माइनस लिखो स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव आने वाला है, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस फाइव बाय टू, फाइव इंटू वन फाइव हो जाएगा, तो माइनस फाइव बाय टू का होल स्क्वायर, सो माइनस फाइव बाय टू का होल स्क्वायर क्या होगा, फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव, पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर पॉजिटिव होता है, वैल्यू नेगेटिव रहने दो पॉजिटिव रहने दो, और टू का स्क्वायर क्या होगा, टू का स्क्वायर होगा फोर, तो थर्ड टर्म हम लोग को मिला है ट्वेंटी फाइव बाय फोर, कितना मिला 25 बाय 4, सो अभी थर्ड टर्म हम लोग को दोनों इक्वेशन में ऐड करना है, एडिंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप, एडिंग 25 अपॉन 4 ऑन बोथ दी साइड, ये देखो दोनों साइड में ऐड करेंगे, सबसे पहले एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25 बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 25 बाय 4, दोनों साइड में 25 बाय 4 हम लोग को ऐड करना है। अब ऐड होने के बाद क्या देखना है हम लोग को, सिंपल इसको कंपेयर करना है, LHS को कंपेयर करना है A2 plus 2AB plus B2 से, देखो तो LHS को कंपेयर करेंगे A2 plus 2AB plus B2, अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे माइनस है, यहां पे क्या है M2 माइनस है, यहां पे माइनस है, मतलब देखो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, दूसरा वाला A minus B होल स्क्वायर का, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, है ना। तो कौन सा वाला फॉर्मूला है, ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो हम लोग कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी से, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों में से एक से हम लोग को कंपेयर करना है, तो हम लोग ए माइनस बी होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे आप देखो ए स्क्वायर की जगह क्या है, एम है, तो हम लोग ए इज इक्वल टू एम मिला हम लोग को, और देखो बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, बी स्क्वायर की जगह पे क्या है 25 बाय 4 है, अब
b square की जगह पे क्या आया हम लोग के पास 25/4 आया है, तो b square is equals to 25/4 आया है, so b is equals to क्या हो जाएगा, b is equals to root of 25/4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे b क्या रहेगा 5/2, you know, b will be 5/2, तो b क्या रहेगा हमारा 5/2 और a रहेगा हमारा m, a m है और b 5/2 है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे next step में equation लिखेंगे m square minus 5m m square minus 5m 25/4 is equals to minus 3 plus 25/4. Okay, अब ये क्या है, this is nothing but the expansion of a minus b whole square है, तो ये expansion है a minus b whole square का, जहां पे a है हमारा m और b क्या है हमारा, b है minus 5/2 है ना, तो b है हमारा minus 5/2, तो इसके जगह पे हम लोग m माइनस 5/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हम लोगों ने लिख दिया इसकी जगह पे और इज इक्वल्स टू ये माइनस 3 प्लस 25/4 एज इट इज. ओके, अब यहां पे पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहां पे इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा मतलब 1 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 4 * 3 कैसे 3 है माइनस 3 है, देखो माइनस 3 * 4 उसके बाद 1 * 25 प्लस है एज इट इज 1 into 25 ही आता है, LCM भी ले सकते हो या ऐसे करो, दोनों में से कोई भी मेथड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 into 1 तो ये आएगा 4 into 1, तो देखो अभी इसका क्या हो जाएगा, m minus 5/2 whole square is equal to देखो minus 3 into 4 3 4s are 12 होता है, तो minus 12 plus 25 होता है 25 divided by 4, ना भी देखो minus 12 plus 25 तो आंसर क्या आएगा plus 13/4, तो क्या है प्लस 13/4 m माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4 आया. अब क्या चाहिए, अब हम लोग को स्क्वायर नहीं चाहिए क्योंकि m की वैल्यू चाहिए है ना, तो क्या करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड्स, हम लोग यहां पे लिखेंगे टेकिंग रूट्स स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ दी साइड वी गेट बोथ दी साइड, दोनों साइड रूट लेंगे, तो सब में पहले ऐसे लिखेंगे इसको m माइनस 5/2 स्टेप वाइज जाना है, डायरेक्ट डायरेक्ट जंप नहीं करना है, तो देखो 13/4 इसका भी रूट हो जाएगा 13/4, अब 13 का रूट क्या है हम यहां लेंगे प्लस और माइनस, रूट का आंसर प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है. ओके, तो अब देखो अब ये रूट्स और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आगे का मैं यहां पे लिखता हूं इस साइड में इसको रफ कर लेंगे, देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पे हम लोगों को क्या मिलेगा m माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू रूट 3, देखो रूट 13 प्लस और माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 4, 4 का रूट तो 2 होता है, 1/2 को आप बाहर ले सकते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1/2 रूट 13, अब ये प्लस माइनस 5/2 इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 5/2, तो m इज इक्वल टू क्या होगा प्लस और माइनस, देखो रूट वाले वैल्यू से पहले ये वाला वैल्यू लिखेंगे तो बेटर रहेगा कि प्लस माइनस यहां पे दोनों ऑप्शन है ना, तो इसके लिए माइनस 5/2 को इधर गया तो प्लस 5/2 ये पहला टर्म पहले लिखेंगे हम लोग 5/2 प्लस 5/2 हो गया, उसके बाद प्लस और माइनस 1/2 या फिर सिंपल ऐसे लिख सकते हो आप रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 है ना, 4 था उसका रूट 2 आ गया तो रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस और माइनस है ना, अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दो ऑप्शन है तो हम लोग सिंपल लिखेंगे दोनों का बेस कॉमन है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 प्लस और माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिखोगे राइट. अब यहाँ पे प्लस और माइनस दो ऑप्शन है तो आप क्या लिखोगे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 और m इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2. These are the two roots of the given quadratic equation. It is very simple. Okay? I hope आपको problem समझ में आ रहेगा. तो बढ़ते हैं अब next problem की तरफ. तो मैं पहले इसको rough कर लेते हैं. ये rough कर लेते हैं. Problem number 4 की तरफ बढ़ते हैं. Simple steps हैं और वही steps follow करना है किसी भी type का problem आने तो completing square method. फोर देखते हैं क्या दिया है, देखो प्रॉब्लम नंबर 4 का इक्वेशन देखते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 4 9y square
माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे y स्क्वायर अलग नहीं, यहाँ पे 9 है, y स्क्वायर के साथ क्या है 9 है। अब ये 9 हम लोग को सब में पहले नहीं चाहिए, है ना, 9 हम लोग को नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, सब में फर्स्ट ये 2 को उधर लेके जाओ, कॉन्स्टेंट टर्म को वो साइड में लेके जाओ, 9y स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल्स टू, प्लस 2 उधर गया तो क्या होगा माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अब ये y स्क्वायर हम लोग को अलोन चाहिए, y स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए कोएफिशिएंट, बट यहां पे 9 है तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ दी साइड, तो हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ दी साइड, वी गेट देखो 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 12y डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9। ओके, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गए, अभी देखो ये 9 और 12 3 के मल्टीपल है, 3 जा 9 और 3 4 जा 12 होता है, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, देखो y स्क्वायर माइनस है ना, 3 4 जा 12 होता है तो यहाँ पे क्या आएगा 4y, और 3 3 जा 9 होता है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस डिवाइड बाय 3, और ये माइनस 2 बाय 9 एज इट इज। ओके, अब इसको हम लोगों ने सिंपलीफाई करके यहाँ पे लिख दिया है प्रॉपर वे में, अब क्या करना है, अब हमारा प्रोसेस हम लोग को करना है, वाई अभी वाई स्क्वायर अभी सिंगल है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, वन है ना, अभी देखो LHS में देखो y स्क्वायर माइनस 4 बाय 3 y है, अभी यहाँ पे हमने को इसको किस फॉर्म में लाना है, देखो माइनस है बीच में, यहाँ पे माइनस है मतलब a माइनस की होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है इसको, तो इस एक्सपांशन के फॉर्म में लाना है, तो थर्ड टर्म हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो थर्ड टर्म क्या ऐड करोगे, थर्ड टर्म तो देखो थर्ड टर्म विल बी, वी हैव द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या रहता है इन ब्रैकेट 1 बाय 2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या है हमारा y है, कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, तो देखो 1 बाय 2 इनटू कोएफिशिएंट y क्या है 4 बाय 3 माइनस 4 बाय 3 है तो माइनस 4 बाय 3 इसका होल स्क्वायर, सो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है डाउनवर्ड साइड ये दोनों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, सो देखो माइनस ये 4 इनटू 1 क्या हो जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाय 3 टू जा 6 दोनों का स्क्वायर, अभी देखो 4 और 6 दोनों भी क्या है 2 के मल्टीपल है तो अंदर आप डिवाइड कर सकते हो 2 टू जा 4 और 2 3 जा 6 तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 2 बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 बाय 3 का होल स्क्वायर, तो अभी देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे थर्ड टर्म, इधर लिख देता हूं ऊपर लिखता हूं देखो थर्ड टर्म विल बी इक्वल्स टू देखो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो थर्ड टर्म विल बी 4 बाय 9, क्या आया हमारा ना थर्ड टर्म 4 बाय 9, तो 4 बाय 9 को ऐड करना है ऑन बोथ दी साइड, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे एडिंग 4 बाय 9 ऑन बोथ दी साइड दोनों साइड में इसको ऐड कर देंगे, देखो 4 बाय 9 ये वाला इक्वेशन है हमारा, इसमें y स्क्वायर माइनस सिंपल पहले क्या लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y प्लस क्या है 4 बाय 9 इज इक्वल्स टू इधर क्या है माइनस 2 बाय 9, तो यहां पे देखो माइनस 2 बाय 9 प्लस 4 बाय 9। ओके, अब यहां पे देखो LHS को भूल जाओ, LHS को देखो RHS को भूल जाओ, ये देखो ये वाले टर्म को हमको कंपेयर करना है कौन सा वाला, ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे प्लस लेते तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से कंपेयर करते थे, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे तो वाई है हम लोग को दिख रहा है, ए हमारा वाई रहेगा और बी क्या रहेगा, देखो बी स्क्वायर की जगह पे क्या है 4 अपॉन 9 है ना, सो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू देखो बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 अपॉन 9 दैट इज 2 बाय 3 है ना, सो बी क्या मिल गया हम लोग को 2 बाय 3 और ए क्या मिल गया हम लोग को y मिला, देखो b का वैल्यू 2 बाय 3 और a का y मिला है, अब इसको कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते, देखो दोनों का बेस कॉमन है 9 तो यहां पे क्या होगा ऊपर एडिशन होगा माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 करना है सिंपल, तो माइनस 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा प्लस 2 बाय 9 आ जाएगा, तो इधर आ गया हम लोग को 2 बाय 9 और a और b के वैल्यू मिल चुके हैं, सो अभी क्या करेंगे सिंपल इधर वाला रफ कर देते हैं पहले, देखो
अभी अभी हमारा ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है एक्सपांशन किसका, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर और a की वैल्यू y है और b की वैल्यू क्या है 2/3। तो हम लोग इस जगह पे इस इक्वेशन के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सिंपल लिख सकते हैं y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है इसके माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर का ही एक्सपांशन है, मतलब y माइनस 2/3 का वो एक्सपांशन था, तो उसके जगह पे ये लिख दिया हम लोगों ने इज इक्वल टू इधर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया आंसर क्या है प्लस 2/9, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2/9। अब सिंपल हो गया, देखो अब क्या करना है, अब हम लोग को y का वैल्यू निकालना है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड, सो वी विल राइट टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड, तो दोनों साइड रूट ले लोगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो y माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2/9, अभी 2/9 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ओके। अब देखो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट दोनों यहां पे कैंसिल हो गए, तो यहां पे हम लोग को मिलेगा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे प्लस और माइनस 2 का रूट नहीं निकलता है तो अंडर रूट 2 लिखो, 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, तो डिवाइडेड बाय 3 लिख देंगे हम लोग रूट 2/3, ओके। अब ये y इज इक्वल टू माइनस 2/3 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू, देखो ये प्लस और माइनस का साइन है तो ये 2/3 पहले लिखेंगे, माइनस 2/3 इधर गया तो प्लस 2/3 प्लस और माइनस अंडर रूट 2/3, ओके। अब 3 बेस कॉमन है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 प्लस और माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, देखो y इक्वल टू क्या है 2 प्लस और माइनस रूट 2/3, यहां पे हमारा आंसर आ गया है, सिर्फ इसको प्रॉपरली लिखना है हम लोग को दो आंसर्स, तो इधर वाला रफ कर देते हैं, देखो प्रॉपरली आंसर दो कैसे आएंगे, y इक्वल टू फर्स्ट क्या आएगा 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 और y इक्वल 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, सो दीज आर दी टू वैल्यूज और टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द आवर स्क्वेयरिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5, तो सबसे पहले इसको रफ कर लेंगे, देखो इसको रफ कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, टोटल 6 प्रॉब्लम है अभी 5 इसके बाद 6 और ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाए। प्रॉब्लम नंबर 5 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0, हमें पहले कांस्टेंट को उधर लेके जाओ, देखो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम लोग, प्लस 9y कांस्टेंट को वो साइड शिफ्ट कर दो, प्लस 10 इधर गया तो माइनस 10 हो जाएगा। अब y स्क्वायर के साथ 2 है, y स्क्वायर के साथ 2 हम लोग को नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ दी साइड, सो वी विल राइट डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ दी साइड, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ दी साइड वी गेट, देखो इसको भी देखो 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो हर जगह दोनों साइड में डिवाइड करना, तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या मिला हम लोग को y स्क्वायर प्लस 9/2y इज इक्वल्स टू देखो 2 × 2 2 × 5 = 10, तो ये आ जाएगा -5, तो ये इक्वेशन हम लोग को मिल गया, अभी y स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो अब हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारा इन ब्रैकेट 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर वेरिएबल y से y जो भी वेरिएबल है वो लिखो, सो देखो यहां पे 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 9/2 है, सो 9/2 इनका होल स्क्वायर, तो सिंपल क्या आ जाएगा 9/4 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4 का स्क्वायर होता है 16, सो 81/16, सो थर्ड टर्म हम लोग क्या मिला है 81/16 मिला है, सो अब इसको ऐड करेंगे दोनों साइड में, यहाँ पे इस साइड में ऐड करें, देखो हम लोग y स्क्वायर
y स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2 y प्लस थर्ड टर्म क्या 81 बाई 16 तो प्लस 81 अपॉन 16 इज इक्वल टू यहां पे क्या है माइनस 5 तो देखो माइनस 5 देखो माइनस 5 प्लस 81 अपॉन 16 अब इसको कंपेयर करेंगे फॉर्मूले से यहां पे क्या है y स्क्वायर के बाद क्या है प्लस है मतलब a प्लस b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है तो यहां पे इसको कंपेयर करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से तो यहां पे a तो हम लोग को दिख रहा है a स्क्वायर की जगह y स्क्वायर है मतलब a इज इक्वल टू y है और b इज इक्वल टू क्या है तो b स्क्वायर की जगह पे क्या है 81 अपॉन 16 है तो यहां पे इसका रूट ले लो आप तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 81 अपॉन 16 है ना So, हम लोग को b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा b इज इक्वल टू मिल जाएगा 9 बाय 4 सो b इज इक्वल टू 9 बाय 4 मिला है a हम लोग को y मिला है और b इज इक्वल टू 9 बाय 4 मिला है सो ये है a प्लस b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन तो यहां पे हम लोग a प्लस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं मतलब y प्लस 9 बाय 4 होल स्क्वायर यहां पे इसके इस टर्म की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ओके और देखो तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग a की जगह पे क्या है y प्लस b है हमारा 9 बाय 4 इसका होल स्क्वायर इस टर्म के जगह पे लिख सकते हैं क्योंकि a इक्वल टू y है b इक्वल टू 9 बाय 4 है और ये a प्लस b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन के फॉर्म में ओके अब इस टर्म्स को देखो इस वाले टर्म्स को देखो यहां वाले टर्म्स को देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है तो क्या हो जाएगा माइनस 5 ये इनटू 16 प्लस साइन बीच में एज इट इज तो 81 इनटू 1 आप एलसीएम भी ले सकते हो इधर का टर्म क्या मिला हम लोग को इसको सॉल्व किया तो 1 बाय 16 मिला है हम लोग को सो इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन 16 इसको प्रॉपर में सॉल्व किया तो 1 बाय 16 मिला सो इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 देखो y प्लस 9 बाय 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 16 यहां तक आ गया अब क्या कर रहा है अब टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड हम लोग को ये स्क्वायर नहीं चाहिए y की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग रूट्स ऑन बोथ दी साइड टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड सो देखो y अंडर रूट लिखेंगे हम लोग y प्लस 9 बाय 4 y प्लस 9 बाय 4 होल स्क्वायर और यहां पे लिखेंगे रूट ऑफ 1 अपॉन 16 प्लस और माइनस अभी देखो इधर का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा वो वाला स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे और दो स्टेप में हम लोग को आंसर भी मिल जाएगा सो देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो यहां पे बचा हमारा y प्लस 9 बाय 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है प्लस और माइनस रूट 16 अभी देखो रूट 16 को कैसे लिख सकते हैं 1 का रूट क्या आएगा 1 का रूट 1 ही होता है 16 का रूट क्या आएगा 4 आएगा सो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस और माइनस 1 बाय 4 मिला हम लोग को ना प्लस और माइनस क्या मिला 1 बाय 4 मिला अब ये प्लस 9 बाय 4 को उधर लेके जाओ तो y इज इक्वल टू क्या लेंगे माइनस 9 बाय 4 हो जाएगा पहले इसको लिखते हैं माइनस 9 बाय 4 और ये प्लस और माइनस 1 बाय 4 बाद में लिखेंगे दोनों का बेस कॉमन है तो बेस को कॉमन ले लो ये क्या है माइनस 9 प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है अब प्लस और माइनस 2 हो सकते हैं तो दो ऑप्शन है एक तो क्या रहेगा y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 और y इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 तो देखो अगर प्लस होता है देखो माइनस 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा माइनस 9 प्लस 1 आ जाएगा माइनस 8 बाय 4 4 वन जा 4 4 टू जा 8 होता है तो माइनस 2 आएगा सो y इज इक्वल टू माइनस 2 ये एक रूट मिल गया और इधर देखते हैं हम लोग तो देखो y इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 4 तो माइनस 10 अपॉन 4 करेंगे तो 2 के मल्टीपल से 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 आएगा तो माइनस 5 बाय 2 सो y इज इक्वल टू माइनस 5
5 बाय 2, ये सेकंड रूट है। देखो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हम लोग को यहां पे मिल चुके हैं, y = -2 और y = -5/2, दैट इज आवर आंसर। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हमें पहले इसको रफ कर लेते हैं, हम लोग इसको रफ कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 दैट इज आवर लास्ट प्रॉब्लम 6 का पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां पे। देखो प्रॉब्लम नंबर 6 प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, 5x² = 4x + 7। अब ये हम लोग को गिवन है, सबसे पहले हम लोग को हमारे फॉर्म में लेके आना है। इस तरह से लिखना है कि कांस्टेंट सिर्फ आरएचएस में होना चाहिए, बाकी सारे टर्म एलएचएस में। तो क्या करेंगे, 5x² x का टर्म इधर लेके आओ, 4x इधर आए तो क्या होगा, -4x = 7। अब इसको ध्यान से देखोगे तो x² का टर्म अलग नहीं है, x² के टर्म के साथ कोएफिशिएंट 5 है ना, तो ये 5 हम लोग को नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ दी साइड, ऑन बोथ दी साइड वी गेट, देखो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5x² - 4x / 5 = 7/5। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन मिलेगा हम लोग को x² - 4/5x = 7/5। अब x² के साथ कोई भी टर्म नहीं है, अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखो थर्ड टर्म के लिए क्या है फॉर्मूला हमारे पास, 1/2 × कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो देखो 1/2 × कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -4/5 है यहां पे, सो इनटू क्या लिखेंगे हम लोग, -4/5। ये माइनस लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग फॉलो करेंगे 4/5। तो देखो यहाँ पे 1 × -4 क्या आ जाएगा, -4 और 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे आ गया -4/10, सो -4/10 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 × 2 = क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, तो -2/5 का होल स्क्वायर। अब -2/5 का होल स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो आंसर, सो थर्ड टर्म हम लोग को क्या मिला है, 4/25। सो 4/25 को हम लोग दोनों साइड में ऐड करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, एडिंग 4/25 ऑन बोथ दी साइड। विगेट देखो दोनों साइड कौन से वाले, इस वाले इक्वेशन में ना, यहाँ तो देखो x² - 4/5x + 4/25 = इधर क्या है 7/5 है, तो 7/5 + 4/25। ओके सब में मिला, इस वाले टर्म को देखो, इस वाले टर्म में यहाँ पे x² के बाद माइनस साइन है, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर के एक्सपान के साथ हम लोग को इसको कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। अगर यहाँ पे प्लस रहता था तो हम लोग क्या करते थे, a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ कंपेयर करते थे। ओके तो अभी a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखो a² - 2ab + b² है ना, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। a² की जगह पे x² है, तो a = x है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। b² की जगह पे क्या है, 4/25 है, तो देखो b² की जगह पे 4/25 है, तो b = क्या होगा, √4/25, तो क्या आ जाएगा 2/5। सो ये b हम लोग को मिल गया 2/5, तो b मिला 2/5 और a मिला x। तो अभी a माइनस b होल स्क्वायर का एक्सपांशन है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं x - 2/5 होल स्क्वायर, इस टर्म की जगह पे x - 2/5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, = अभी देखो ये वाला वापस से यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। देखो 25 × 7 + 5 × 4 डिवाइडेड बाय देखो 25 × 5 तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो 25 का क्या होगा 175 + 5 = 20 / 25 = 125।
तो देखो 175 प्लस 20 तो 175 85 95 तो क्या आ जाएगा 195 डिवाइडेड बाय 125। अब देखो अब इसको सिंपलीफाई करोगे, आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो सिंपल लास्ट में 5 5 है तो दोनों भी 5 के मल्टीपल है तो वी कैन डिवाइड बाय 5 हियर। क्या करेंगे 195 डिवाइडेड बाय 5 तो देखो 5 3 जा 15 यहां पे देखो 19 माइनस 15 क्या आएगा 4 सो 45 बचेगा और 5 9 जा 45 होता है सो हम लोग को यहां पे डिवीजन जाएगा 39 से और 125 का 5 करेंगे 25 का हम लोग को पता है 25 इनटू 5 125 होता है तो 5 डिवाइडेड बाय 125 25 आने वाला है तो यहां पे आंसर आएगा 25 तो देखो 39 डिवाइडेड बाय 25 दीज आर दी आंसर्स इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 39 बाय 25 आएगा। सो यहां पे देखो यहां पर x माइनस 2 बाय 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 39 बाय 25 सो 39 अपॉन 25 हम लोग यहां पे लिखेंगे। अब हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहां पे x का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर नहीं चाहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे टेकिंग रूट तो यहां पे हम लोग लिख देंगे टेकिंग रूट ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ दी साइड ऑन बोथ दी साइड वी गेट देखो दोनों साइड रूट ले लेंगे सो क्या हो जाएगा इधर लिख देता हूं मैं आगे का हाँ सो देखो अंडर रूट हम लोग लिखेंगे x माइनस 2 बाय 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 39 बाय 25 ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया सो x माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस देखो 39 का रूट नहीं निकलता है लेकिन हम लोग को पता है 25 का रूट कितना है 5 है तो 39 डिवाइडेड बाय 5 अभी ये माइनस 2 बाय 5 है इसको उधर शिफ्ट कर दें क्या हो जाएगा प्लस 2 बाय 5 हो जाएगा तो माइनस 2 बाय 5 को शिफ्ट कर दो सो ट्रांसपोजिंग माइनस 2 बाय 5 टू दैट साइड तो क्या हो जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस और माइनस अंडर रूट 39 डिवाइडेड बाय 5 ओके दोनों जगह पे 5 का बेस कॉमन है तो हम लोग कैसे लिखेंगे 2 प्लस और माइनस 39 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस और माइनस दो ऑप्शन है सो x के रूट भी हम लोग को दो मिलेंगे x इज इक्वल्स टू फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग 2 प्लस अंडर रूट 39 डिवाइडेड बाय 5 और 2 माइनस अंडर रूट 39 डिवाइडेड बाय 5 सो दीज आर दी टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहां पे ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा खत्म होता है तो इसी तरह से हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट के 6 प्रॉब्लम हम लोगों ने यहां पे सॉल्व किए हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय।